नमस्कार, वेबार्ता में आपका स्वागत है। सिमी आतंकवादियों से मुठभेड़ का मामला हो या सूबेदार रामकिशन की आत्महत्या का मामला हो, इन दिनों देश में राजनीति खूब हो रही है। वेबार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि देश में इन दिनों लाशों पर राजनीति हो रही है? ये सिलसिला सा चल पड़ा है और बहुत बड़ी दिक्कत की बात यह है कि बहुत चुनिंदा तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि देश में और मौतें नहीं हुई हैं या आत्महत्याएं नहीं हुई हैं या अपराध नहीं हुए हैं या अन्याय नहीं हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि इन लाशों के पीछे जो वोट बैंक खड़ा होता है, इन लाशों के पीछे जो राजनीतिक स्वार्थ छिपा होता है, उस पर खड़े होकर जब इस तरह की राजनीति की जाती है तो सबसे शर्मनाक हो जाता है। अभी ताजा मामले में भी अगर हम देख लें तो एक पूर्व सैनिक ने अगर आत्महत्या की है तो बहुत दुख का विषय है, क्षोभ का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन उसके घर में भिवानी तक लोग पहुंच जाते हैं, वहां पर पिपली लाइव वाला नजारा हो जाता है, सारा का सारा मीडिया पहुंच जाता है। लेकिन एक सैनिक को जब सीमा पर मार दिया जाता है, पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा उसके शव को क्षत विक्षत कर दिया जाता है, उसके घर पर पहुंचने वाला कोई नहीं है। इसके पहले कांग्रेस खुद के कार्यकाल में जिस जोगिंदर का सिर काट के ले गए थे, उसके घर पर सेनाध्यक्ष गए थे। क्या राहुल गांधी उसके घर पर गए थे? क्या अरविंद केजरीवाल उसके घर पर गए थे? तो मुझे लगता है कि ये जो चुनिंदा तरीके से, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे अखलाक का मामला हो, मुझे लगता है कि ये अलग अलग चिंगारियां जो पड़ी है उनको मिलाकर सुलगाने की कोशिशें जो होती हैं इस देश में, वो खतरनाक है, खराब है और इनकी निंदा होनी चाहिए। आप ये देखिए कि इसी के साथ एक दूसरी घटना हुई है कि भोपाल में जो सिमी के आतंकवादी, तथाकथित रूप से जिनको आतंकवादी माना जा रहा था, वो भाग रहे थे, उनके मुठभेड़ का मामला सामने आया है और उसमें जेल में जिस सिपाही की हत्या करके वो लोग भागे, उसके घर पर जाने का किसी नेता को समय क्यों नहीं मिला? क्या उसको अगर मारकर भाग गए हैं जेल में तो वो उसकी मौत जो है वो शोक जताने लायक या फिर अफसोस जताने लायक या उससे जाकर उसके परिवार से मिलने लायक नहीं है? और मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सूबेदार ग्रेवाल के घर पर जाकर उनके परिवार वालों से सांत्वना जताने की कोशिश की है, अस्पताल भी गए हैं, उनके गांव में भी गए हैं, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं, अगर वो भोपाल में जिस गार्ड रमाशंकर सिंह को मार दिया गया था उनके घर भी जाते, उनके परिवार वालों से भी मिलते, तो फिर उनकी इस बात को हम मान सकते थे कि वो जो भी परिवार है जिसको सताया गया है और जिनको मदद की जरूरत है, उनके यहाँ जाना उनका काम है और ये उसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, तो ऐसी जिम्मेदारी वो दूसरे मौकों पर भी निभाएं। अगर उनको लगता है कि रोहित वेमुला की मौत पर उनको हैदराबाद जाना चाहिए, अगर उनको लगता है कि अखलाक की मौत पर उनको दादरी जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उनको केरल के कन्नूर में भी जाना चाहिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हुई हैं। ये ऐसा नहीं है कि राजनीतिक द्वेष अपनी जगह हो सकता है, राजनीतिक मतभिन्नता अपनी जगह हो सकती है, लेकिन अगर किसी की हत्या हुई है और आप कहते हैं कि जो पीड़ित है उससे आपको मिलना चाहिए तो जाना चाहिए। एक और बात मैं यहां बताना चाहता हूं, तो अभी जिस समय ये सारा सूबेदार ग्रेवाल वाला मामला चल रहा था, उसी समय एक बड़ी दर्दनाक, बड़ी बुरी खबर हमारे पास आई है कि दिल्ली से ही सटे हुए ग्रेटर नोएडा में 3 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। वो महिलाएं मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी, तो क्या वो महिलाएं कमजोर तबके की हैं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी, इसलिए उनके साथ हुए इस घिनौने बलात्कार को इसी तरह नजरअंदाज कर दिया जाएगा? उनके यहां कोई नेता क्यों नहीं गया? उनके यहां पर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं गए? उनके यहां पर राहुल गांधी क्यों नहीं गए? आप जिम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर आपको पूरे देश की जनता की जिम्मेदारी लेनी है। जहां जहां अन्याय होगा, जहां जहां शोषण होगा, जहां जहां उत्पीड़न होगा, वहां पहुंचिए ना आप, देखिए जिस देश की जनता आपको समर्थन देगी, आपके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन यूं चुनिंदा तरीके से आप केवल राजनीतिक मकसद की खातिर, वोट बैंक की खातिर लाशों पर राजनीति करेंगे तो उसका समर्थन किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि इन सारे सवालों से बचकर ये लोग इस तरह की राजनीति नहीं कर सकते। देश को समझना चाहिए कि किस तरीके से सब वोट बैंक बनकर रह गए हैं। यदि ऐसा कहा जाता रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब आतंकवादी मारा जाता है तो धर्म की बातें होने लगती हैं। देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं और उनको जब हम जोड़ते हैं तो हमारा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये हम इसलिए कहते हैं कि जब आतंकवादी आतंक फैला रहा है, अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए हिंसा का रास्ता इख्तियार कर रहा है, तो हम उसको सभी को एक तराजू में रखें, चाहे फिर वो किसी भी धर्म या जाति से नाता रखता हो। अगर वो बम और बारूद के दम पे अपनी बात मनवाना चाहता है तो निश्चित तौर पर हमें आतंकवाद को आतंकवाद मानना चाहिए। और ये खासतौर पर तब लागू होता है जब हम देखते हैं कि अगर पश्चिमी देश में कहीं आतंकवाद हो जाए, अमेरिका के खिलाफ आतंकवाद हो जाए, तो सारी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाती है। भारत जो कि लगातार दशकों से आतंकवाद के इस दुष्चक्र में पिस रहा है, तो उसके आतंकवाद को आतंकवाद नहीं माना जाता। तो हमको ये कहना पड़ता है कि भाई आतंकवाद जो है वो आतंकवाद है। इसी में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यदि कभी कुछ हिंदुओं को ऐसा
ऐसा लगा कि संगठित होकर उनको हिंसा का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, जो दो तीन मामले सामने आए, मालेगांव ब्लास्ट हुए कोई और, तो भी ये कहा गया था कि रंग नहीं होता, क्योंकि अगर कोई बम लेकर निरीह लोगों को मार रहा है, मंदिर गए हुए लोगों को मार रहा है, या मस्जिद गए हुए लोगों को मार रहा है, या चर्च गए हुए लोगों को मार रहा है, तो निश्चित तौर पर उसका उद्देश्य गलत है और उसकी आलोचना होनी चाहिए। धर्म की बात दरअसल तब सामने आती है जब कुछ लोग इस पर राजनीति करते हैं, जैसे सिमी के आतंकवादी, जिनको आतंकवादी अभी हम पूरी तरह से इसलिए नहीं कह सकते कि कोर्ट में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जिस तरह की हरकतें की, जो मामले उन पर दर्ज हुए उनको हम देखें तो वो कथित रूप से आतंकवादी थे, उनको लेकर जब दिग्विजय सिंह ये बयान देते हैं कि मुस्लिम आप जेल तोड़कर भागने की पिछले दशकों की जितनी भी घटनाएं देखें, चंबल की मुठभेड़ें हुई हैं मध्य प्रदेश में ही, ग्वालियर के और चंबल के आसपास के जो पुलिस वाले हैं उन पर तो लगातार आरोप लगे हैं और उनको कई अवार्ड और कई तमगे इसलिए मिले हैं कि मुठभेड़ में उन्होंने बड़े बड़े दस्युओं को मारा है, तो क्या मुस्लिम थे वो? तो जब दिग्विजय सिंह ये बात कहते हैं तो उनको पंजाब के एक फर्जी मुठभेड़ को लेकर अभी पुलिस वालों को सजा हुई है, वो सिख लोग थे जिनको मारा है। तो दिक्कत ये है कि कुछ लोग हैं जो इसको धर्म के चश्मे से देखना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जो भागे वो मुस्लिम ही क्यों थे, वो ये नहीं देखते कि आतंकवादी थे, दहशत के दम पर अपनी बात मनवाना चाहते थे, उन पर मामले दर्ज हुए हैं, बाकायदा पुलिस में FIR है और कोर्ट में उनको मामला चल रहा था। कुछ और चीजें जो उसमें ध्यान देने योग्य हैं कि उनका जो किस तरह का व्यवहार था, कोर्ट जाते पुलिस वालों को किस तरह की धमकियां और गालियां देते थे, किस तरह के नारे वो जिहादी लगाते थे, इससे समझ में आता कि निश्चित तौर पर अगर कोर्ट में तथ्यों के आधार पर कुछ साबित हो रहा है नहीं रहा, उनके मंसूबे ठीक नहीं दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वो किन परिस्थितियों में भागे, कैसे भागे, निश्चित जांच होनी चाहिए, कैसे इतनी बड़ी जेल जिसको ISO का प्रमाण पत्र मिला हुआ है, जिसको हम बेहतर सुरक्षा वाली जेल मानते हैं, वो खंडवा से भी भागे थे, इस वजह से उनको भोपाल में रखा गया था, अगर वो भागे हैं और इस तरीके से भागने में कामयाब हुए हैं तो समूची जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है, लेकिन अगर वो वहां पर एक पुलिस वाले को मारकर भागे हैं और भागने के बाद अगर उन्होंने प्रतिवार किया है और उस प्रतिवार के दौरान मुठभेड़ में वो मारे गए हैं तो निश्चित तौर पर माना जाएगा। लेकिन वैसे भी एक फैसला आ चुका है कि जितनी भी पुलिस की मुठभेड़ें होंगी उनकी जांच होगी, तो इसी तरह इसकी भी जांच होनी चाहिए, सच सामने आएगा। ऐसी मांग की जा रही है कि सूबेदार ग्रेवाल को शहीद का दर्जा देना चाहिए, साथ ही ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? देखिए, ये भी एक राजनीति का एक बहुत दूसरा चरम सिरा है। जब सैनिक है तो वो सीमा पर लड़ते हुए, शहीद की एक कुछ तय मानक हैं, परिभाषाएं हैं। अगर हम राजनीति करने के लिए किसी को शहीद घोषित कर देंगे करोड़ों रुपए का, जो सूबेदार ग्रेवाल हैं उनके परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत है, मिलनी चाहिए। उनके परिवार की मदद आप सहानुभूतिपूर्वक कर रहे हैं, अच्छे इरादे से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सीमा पर गोली खाकर मरने वाले जवान और यहाँ पर आत्महत्या करके मरने वाले जवान को एक ही तराजू में तौल देंगे तो निश्चित तौर पर सीमा पर या नक्सली मुठभेड़ में शहीद होने वाले लोगों के बीच में आप जो अंतर नहीं कर रहे हैं वो बहुत तकलीफ का कारण बनेगा। दूसरी बात, आत्महत्या को अपराध माना गया है, हमारे यहाँ आत्महत्या करने वाले के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है, खुदकुशी को हम अच्छी बात नहीं मानते हैं, खुदकुशी हमारे यहाँ जायज नहीं है, तो आप इस तरीके से आत्महत्या को एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अगर जायज ठहरा देते हैं तो ये भी गलत है। आत्महत्या कमजोरी की निशानी है, चाहे उन्होंने विरोध के स्वरूप में क्यों, ऐसे तो हर कोई विरोध के स्वरूप में आत्महत्या कर देगा और आप उसको जायज ठहरा देंगे। दूसरी बात, जिन परिस्थितियों में ये आत्महत्या हुई है सूबेदार ग्रेवाल की, उस पर कई सवाल उठे हैं और उसकी भी आगे जांच होनी चाहिए। कोई भी पिता अगर अपने बेटे को ये सूचना देता है कि उसने जहर खा लिया है तो एक बेटे की जो प्रतिक्रिया होती है वो इतनी सामान्य नहीं हो सकती। सवाल तो इस पर भी उठे हैं कि कोई बाप बेटा अपने आपस की बातचीत को कभी फोन पर रिकॉर्ड नहीं करता है, लेकिन ये मान भी ले कि कई फोन ऐसे होते हैं जिसमें हर फोन ही रिकॉर्ड हो जाता है, चाहे वो किसी का भी हो, कहीं से भी आया हो, उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी हम सोचें तो कोई अगर कहेगा कि उसके पिता ने सल्फास खा लिया तो निश्चित तौर वो चौंकेगा, डरेगा, घबराई हुई आवाज में कई तरह के सवाल पूछेगा। इतनी सामान्य बातचीत जिसमें पीछे से भी कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा शक पैदा करता है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम ये चाहेंगे कि अगर सूबेदार ग्रेवाल को अपनी जान गंवानी पड़ी है तो वो दुखद है, उनको न्याय मिल जाता जीते जी। जितने लोग उनके मरने के बाद उनके गांव पहुंचे हैं, उनसे सहानुभूति जताने पहुंचे हैं, उनके जिंदा रहते अगर उनकी सुध ले लेते। दिक्कत ये है कि आप पूरे मामले को समझिए, वन रैंक वन पेंशन सरकार ने लागू की है, उसकी घोषणा भी की है, सरकार ने खुद कहा है कि पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है, जो विसंगतियां उनको दूर करने के लिए कमेटी भी बनी हुई है। खुद सूबेदार ग्रेवाल का जो मामला है एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह की विसंगतियां और दिक्कतें कहां हैं। आप देखिए कि वन रैंक वन पेंशन अगर लागू नहीं होती तो सूबेदार ग्रेवाल की तनख्वाह तो बहुत कम होती, उनको छठा वेतन आयोग भी मिला था और वन रैंक वन पेंशन की भी सुविधा मिली थी। दिक्कत कहीं बैंक के स्तर पर हुई है, वो जब सेवानिवृत्त हुए थे तो उनकी तनख्वाह जो है वो 13,000 रुपए थी,
उनकी जो तनख्वाह 13,000 रुपए थी वो छठे वेतन आयोग के साथ मिलकर और वन रैंक वन पेंशन की सुविधाओं के साथ 28,000 रुपए होनी थी, लेकिन उनको 23,000 रुपए की पेंशन मिल रही थी। तो 5,000 रुपए की जो गड़बड़ी है उसको निश्चित तौर पर सुलझाया जाना चाहिए था। उनका हक था उस पैसे पर, वो उनकी मेहनत थी, उन्होंने सेवाएं दी हैं एक सैनिक के रूप में, और जब नियम बना है और सबके लिए बना है तो उनको इस नियम में इस तरह से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए था उस पैसे से। लेकिन मुझे लगता है कि ये जांच का विषय है, और जितनी सहानुभूति हम उनकी मौत पर उनकी लाश पर जाकर दिखा रहे हैं उतनी हमदर्दी अगर शुरू में दिखा दी गई होती पक्ष और विपक्ष दोनों ही के द्वारा, तो निश्चित तौर पर उनको यूं आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे सूबेदार ग्रेवाल की खुदकुशी की एवं सिमी आतंकवादियों से मुठभेड़ की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।